वेलकम टू के डी स्टडी बाई अंकित राजा कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे आशा यही है अभी हमने पहला पोर्शन चलाया था स्टैटिक जीके के बारे में और जो दूसरी क्लासेस आपकी रहेंगी वो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के जनरल साइंस के बारे में क्योंकि आप कुछ कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे प्रीवियस कुछ ईयर में साइंस के क्वेश्चंस क्या हुए हैं ज़्यादा आने लगे हैं और साइंस में जो आपका एस एस सी का मेंस का बना है उसमें भी टॉपिक्स रहेंगे यूपी पेट हो गया किसी भी स्टेट के आप स्टेट पीसीएस वगैरह के भी देखेंगे उसमें भी साइंस का पोर्शन क्या है आपके लिए रहता है तो जनरली जो साइंस का टॉपिक रहेगा शुरुआत तो कई टॉपिक से होती है लेकिन आज का जो सिंपल टॉपिक रहेगा कई बार क्वेश्चन भी इससे उठते हैं यह टॉपिक दो तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा एक तो आपका सब्जेक्ट जो रीजनिंग है उसमें टॉपिक रहता है ऑड वन इवन आउट वहां भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो पर्टिकुलर जनरल साइंस में आपका सेल वाला टॉपिक रहेगा तो चैनल को लाइक करना है आपको सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपका पर्टिकुलर लेक्चर्स क्या हो आप तक पहुंचते रहे नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन रखनी है क्लासेस आपको छोड़नी नहीं है कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है जिससे प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिले आज की जो क्लासेस रहेगी जनरल साइंस में हम बायो का पोर्शन शुरू करेंगे सबसे पहली जो क्लासेस आज है वो कौन सा क्लास चलेगा हमारा सेल के बारे में या कोशिका के बारे में सबसे पहले सेल होती क्या है क्या क्या चीजें हैं एक, एक करके हम डिस्कस करेंगे जैसा कि आपको पता होगा किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात की जाए अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसकी शुरुआत जो होती है पर्टिकुलर यहीं से बनी तो यदि ह्यूमन बॉडी है सपोज करिए कोई पर्सन है और अब अगर यह पर्शन है इस पर्सन की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई क्या क्या चीजें इसमें बनी हैं, उसकी चीज बात करेंगे बेसिक जो स्टार्ट होता है वही आपका पर्टिकुलर किससे होगा सेल से होता है तो so सेल क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के बारे में से जाना 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 गया किस बारे में जाता जाता है है बेटा आपको मिल भी जाएगा इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ या जीवन का मूलभूत संरचना के नाम से इसे जाना जाता है किस नाम से क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा इसको जाना जाता है किस नाम से जीवन की आधारभूत संरचना कई बार क्वेश्चन भी आया है तो जीवन की आधारभूत संरचना कौन सी है आपको याद रखना है उसे जाना जाता है किस नाम से सेल के नाम से या कोशिका के नाम से जाना गया अब जब जीवन की शुरुआत ही कोशिका से हुई तो सर कोशिका होती क्या है निर्माण कैसे होता है इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इसमें कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं या स्टडी ऑफ सेल किसे कहा जाता है तो ये ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको याद रखना है जाना जाता है किसको साइटोलॉजी को क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो टिश्यूज होते हैं बनते कैसे हैं या सेल बनती कैसे है तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आई या सेल को क्या कहा गया जीवन की मूलभूत इकाई या हमने पहले भी देखा इसे जाना गया था किस नाम से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के नाम से दूसरा क्वेश्चन आपका बना स्टडी ऑफ सेल किस नाम से तो ये आपको याद रखना है पर्टिकुलर जाना जाता है साइटोलॉजी के नाम से अब कभी भी यदि पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा तो उसका क्रम क्या रहता है ऑर्डर क्या है तो आपको पता है सबसे पहले जो सोनेरियो होता है सेल या इसमें बनता किसके है कोशिका से ये फंक्शनल यूनिट है बेटा कोशिका के बाद फिर क्या बनता है टिश्यूज है आपके पास तो पर्टिकुलर निर्माण होता है ऊतक का अब कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं बेटा ऊतक का निर्माण करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज अब जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो फिर ह्यूमन ऑर्गन का निर्माण होता है अंग का निर्माण तो यह कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज ऑर्गन पूरा आपको ऑर्डर में बता दूंगा फिर इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ह्यूमन बॉडी हो गई पूरा कैसे निर्माण होता है जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम या इसे जाना जाता है किस नाम से अंग तंत्र के नाम से जाना गया इसके बाद हम चर्चा करें आगे तो जब बहुत सारा अंग तंत्र बना मतलब नाक बन गया आपका कान बन गया हेड बन गया जब ये पूरा सिस्टम बनता है तो इसमें निर्माण होता है किसका ह्यूमन बॉडी का या शरीर का निर्माण हुआ इसको आप वर्टिकल रूप से देख सकते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है यदि आप देखेंगे तो पर्टिकुलर जो स्टार्टअप है सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले क्या बनेगा आपके लिए याद रखेगा सबसे पहले निर्माण होता है किसका कोशिका कोशिका क्या थी बेटा इसने कहा बेसिक फंक्शनल यूनिट थी इसे किस नाम से जाना गया बेसिक फंक्शनल यूनिट या जो आपकी पर्टिकुलर क्या थी आधारभूत इकाई थी शरीर की वो यहीं से बनती है आधारभूत संरचना या इकाई यहीं से तैयार हुआ कोशिका से अब कई सारी कोशिकाएं मिलकर जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो आपके किसका निर्माण होता है आपको याद रखना है निर्माण होता है ऊतक का या इसे जाना जाता है पर्टिकुलर किस नाम से टिश्यूज के नाम से जाना गया और ये क्या था आपका सेल था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज अब जैसे ही यहां पे टिश्यू का निर्माण हुआ तो जैसे ही बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो कई सारे ऊतक मिला के क्या बनाया जाता है अंग बनता है या बेटा आपको याद रखना है किस नाम से ऑर्गन के नाम से तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया एस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कई सारे अंग मिलकर क्या बनाता है तो आपको याद रहना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र के नाम से जाना जाता है या इसे जानते हैं किस नाम से ऑर्गन सिस्टम के नाम से और लास्ट बनता है कि कई सारे अंग तंत्र मिला के क्या बनते हैं तो ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है या पर्टिकुलर किसका निर्माण हुआ बेटा यहाँ पे निर्माण होता है ह्यूमन बॉडी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉडी का निर्माण कैसे होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है इसमें जो हम डायरेक्ट कहेंगे किसके बारे में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम के बारे में से जाना जाएगा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहा गया था तो वो आपको याद रहेगा स्टडी ऑफ सेल किस नाम से जाना गया साइटोलॉजी के नाम से जाना गया तो बेसिक हमने देख लिया कि क्या कैसे स्ट्रक्चर है कौन कौन सी और ये चीजें आपको ध्यान भी रखनी है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूरी सेल खत्म हो जाती है लोगों को पता नहीं चलता कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है तो आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है उसे जाना जाता है टिश्यूज और कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज इज नोन एज के नाम से इसे क्या होता है है जाना जाता है. अब जब कई सारे टिश्यूज मिले तो क्या बना है आपका ऑर्गन और कई सारे ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बना है आपका बॉडी बनाए अध्ययन आपको पता चल गया आगे देखते हैं इसके बारे में तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना गया अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है सेल की की? खोज किसने बचपन से आज तक आपने पढ़ा है कि द सेल डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट किया इसकी रॉबर्ट ने। लेकिन इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सेल की डिस्कवरी के लिए दो प्रकार के पर्सन का यूज हुआ एक होती है डेड सेल और दूसरी होती है आपकी लाइफ सेल जीवित कोशिकाओं और मृत कोशिकाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है आजकल एस और कोई भी एग्जाम एडवांस वर्जन आ रहा है पहले आप था जब आपको रॉबर्ट हुक मिलता था और ईयर यदि कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना 1965 ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं लेकिन अब आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे और उसी के बिहाब पर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रॉबर्ट हुक ने किया था ये लाइफ सेल की की थी या पर्टिकुलर इन्होंने खोज कौन सी कोशिका की खोज की जीवित कोशिका आपको याद रखना है और जीवित कोशिका कहाँ से लाए थे या किसी जीव को मार के नहीं लाए यह पर्टिकुलर कार्क थी एक प्लाज प्याज की झिल्ली थी उसको कुछ दिनों तक रखा उसके बाद इनको पता चला कि इसमें क्या हो रही ग्रोथ हो रही है आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि प्याज को कई दिनों तक ग्लास में रख दिया जाता था जिसके कारण उसमें जड़ें उसकी निकल आती थी और ऊपर ग्रीन कलर की आती थी मतलब समय के साथ उसमें ग्रोथ होती थी दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल वो सेल के संरचना के आधार पर होती थी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना कि सेल क्या होती है कोशिका क्या होती है इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ नीचे लिखा है कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है इकाई होती है सिंपल वे में देखा जाए स्टडी ऑफ सेल किस नाम से जाना गया बेटा एक बार क्विक रिवीजन आपको इंग्लिश के लिए रहेगा साइटोलॉजी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब शरीर की आधारभूत संरचना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से इसे क्या किया गया जाना गया स्ट्रक्चुरल का मतलब आपने समझ लिया जब कोई घर बनाते हैं तो बेसिक नींव की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार हमारी नींव का काम कौन करता है आपका सेल करता है फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज इज नोन नोन एज एज कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम और कई सारा ऑर्गन सिस्टम मिला के ह्यूमन बॉडी का निर्माण किया इसके बाद यह कॉन्सेप्ट हमने देखा अब देखते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ये रेलवे और वनडे एग्जाम के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट इसमें बनेंगे सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है संसार की सबसे बड़ी कोशिका आपको भी पता होगा सबसे बड़ा मैमल्स जो जीव है वो ऑस्ट्रिच ही होता है तो इसकी सबसे बड़ी जो कोशिका होती है द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिचल ऑस्ट्रिच का मतलब क्या हुआ आपको पता होगा सुतुर मुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी सेल जो होती है पाई जाती है कोशिका अब आपसे कहेगा सबसे बड़ी कोशिका जीवाणु मतलब यूनिशेलुलर में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा किसका है तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा गैलीसेल्टोम यह बैक्टीरिया का नाम है यह आपको आगे मिलेगा और यदि लंबी पूछा जाए यह कौन सी थी बेटा लार्जेस्ट थी अभी आपको आगे मिलेगा सबसे बड़ी थी अकॉर्डिंग टू द साइज और यदि पर्टिकुलर शेप में लेंथ में पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा मनुष्य के बॉडी में जो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का काम होता है वो सेल कराती है मतलब सेल में से कौन सी सेल आपको ध्यान रहेगा पर्टिकुलर उस सेल में से कौन सी सेल रहेगी पर्टिकुलर आपके लिए नर्व्स रहती है नर्व्स का मतलब क्या होता है इसे हिंदी में जाना जाता है तंत्रिका के नाम से किस नाम से जानते हैं तंत्रिका तंत्र अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे साइंस में मतलब दो सेल विच कंटेन द इंफॉर्मेशन सेल तो वही है लेकिन जो इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं बोले कैसे इंफॉर्मेशन सर देख लेते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में यह कहा गया हमारी जो आई सबसे ज्यादा एक लार्जेस्ट होती है और एक आपकी बनी कौन सी लॉन्गेस्ट बनी लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबी कौन सी बनी आपकी नवस के नाम से जाना गया या इसे न्यूरॉन्स के नाम से या तंत्रिका के नाम से कैसे सर इसको आप समझ सकते हैं सपोज करिए कोई व्यक्ति है यदि ये व्यक्ति जा रहा है धीरे 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 अचानक से इसमें क्या आ गया एक बड़ा सा डिग आ गया तो अब इस डिग के लिए क्या करेगा इसके पांव या पैर के न्यूरॉन्स तुरंत ब्रेन को क्या देंगे बेटा इंस्ट्रक्शन देंगे जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दिए जाए इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इसको क्या किया जाएगा एक तरह का इसको क्या दिया जाएगा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आगे मत चलिए आगे गड्ढा है रुक जाइए तो जो सेल्स ये इंफॉर्मेशन रखती हैं उसी को क्या कहा जाता है न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है या तंत्रिका के नाम से तो सबसे जो लंबी सेल होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो बनी वो आपकी कौन सी बनती है पर्टिकुलर नफ्स या तंत्रिका के नाम से इसे जाना गया वही क्वेश्चन था आपके लिए <coughs> सबसे लंबी कोशिका कौन सी बनी आपकी तंत्रिका मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए स्मॉल स्मॉलेस्ट जो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है आरबीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है सभी का कमेंट आना चाहिए और कमेंट आपको एट दिस टाइम ही करना है तुरंत आपको आरबीसी का तो आपको कमेंट करके इसको बताना है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है और दूसरा इसमें रहेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है लाइफ स्पन ये दोनों क्वेश्चन आपके रेलवे और इस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए लास्ट में डिस्कस करूंगा ये पर्टिकुलर यहां पे आपको ध्यान रखना है ये क्या है मृत कोशिका की खोज किसने की मृत का मतलब क्या होता है बेटा इसे जाना जाता है मृत का मतलब डेड सेल डेड सेल की खोज किसने की है पर्टिकुलर रॉबर्ट हुक ने किया किसने किया हमने आपको दो क्वेश्चन दिए थे बेटा हमने बताया था कि जनरली जो होती है पर्टिकुलर सेल में हमने कहा कि जो सेल थी पर्टिकुलर कितने थे दो थे <coughs> उसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि जो सेल था जनरली टू टाइप्स के थे डिस्कवरी के लिए भी दो सेल बनी आपकी एक होती है कौन सी डेड सेल डेड को जाना जाता है मृत कोशिका और दूसरी होती है लाइफ सेल या इसे जाना जाता है किस नाम से जीवित कोशिका जीवित ट्रिक कैसी है सर कि डेड में हमने क्या क्या मधुमक्खी का एक कॉर्क लिया ये मधुमक्खी का एक क्या है बेटा छत्ता है और इस पे हमने क्या लगा दिया आपको भी पता होगा यह बड़ा सा क्या लगा है इसमें बेटा हुक लगा है क्या लगा है हुक तो ट्रिक याद रखिएगा हुक केवल कहां लगेगी जो डेड सेल रहेंगी और उस व्यक्ति का नाम है पर्टिकुलर याद रखिएगा रॉबर्ट हुक क्या नाम है हुक कहाँ लगा था मधुमक्खी के छत्ते में तो पर्टिकुलर जिसने इसकी खोज की उसका नाम क्या था याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक बिल्कुल याद रखिए और इसने मृत कोशिका की खोज की जीवित की कोशिका किसने की ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनेगा तो आपको पहले ही बताया जा चुका है 1962 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी कॉर्क ऑफ ओनियन या प्याज की प्लाज्मा में हमने इसकी क्या की थी खोज की तो मृत कोशिका यदि कभी पूछा जाएगा आपको याद रहेगा कॉर्क टिश्यूज में जीवित कोशिका की खोज प्याज में आपको दिख चुका है फिर इसके बाद सभी जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है यदि पर्टिकुलर बात किया जाए पूरे के पूरे जो जीव हैं उनको कितनों में विभाजित किया गया कौन कौन से प्रकार इसमें बनते हैं अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया कौन कौन सी चीजें इस पे चलती हैं तो सेल जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपको भी पता होगा पर्टिकुलर एक होता है यूनि और एक होता है मल्टी सेलुलर दो प्रकार कौन कौन से हैं एक होता है यूनी सेलुलर के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो होता है उसे जाना जाता है किस नाम से मल्टी सेलुलर के नाम से मल्टी सेलूलर को जानते हैं किस नाम से बहु कोशीय जीव के नाम से और यूनिसेलुलर को जाना जाता है किस नाम से एक कोशीय जीव के नाम से ये दोनों सेनेरियो आपको मिलेंगे एक कोशिकी का मतलब जिनके सिंगल सेल्स पाई जाती हो अब जब सिंगल सेल पाई गई तो इसमें कई सारे क्या है कॉन्सेप्ट आपके लिए आते हैं तो बेसिकली इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया दो प्रकार से एक होता है एकोश जीव एक जीव क्या होते हैं वे जीव जिनका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना हो या एक प्रकार की कोशिका से बना होता है मतलब दो सेल विच कंटेन द ओनली वन सेल जिसमें केवल एक कोशिका रहेगी वो पर्टिकुलर किससे होते हैं एकोश एक की जीव एकोश एक की जीव कई प्रकार के रहते हैं आपको ध्यान रखना है उसमें कौन कौन से हैं जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम ये जो होते हैं पर्टिकुलर किसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया के अंतर्गत और ये पूरे के पूरे किस नाम से जाने जाते हैं यूनिशेलुलर के नाम से या एक उसकी जीव होता है यूनिशेलूलर सीधे आपको दिख रहा होगा इसमें पर्टिकुलर कौन से थे ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और सिंगल टाइप ऑफ सेल या तो एक से बना हो या एक कोशिका से बना हो वो पूरा का पूरा इसी में दैट एग्जाम्पल ऑफ अमीबा पैरामीसियम एंड द प्लाज्मोडियम, दीज ऑल टाइप ऑफ ऑफ द बैक्टीरिया ये पूरे के पूरे क्या है बैक्टीरिया के प्रकार पहला प्रकार आपका हुआ दूसरे की बात की जाए तो दूसरा जो पर्टिकुलर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है उसे जाना जाता है बहुकोशीय जीव बहुकोशीय जीव का मतलब क्या होता है वे जीव जिनका शरीर या तो बहुत सारी कोशिकाएं और बहुत सारे कोशिका के प्रकारों से मिलकर बना हो मतलब सिंपल सा नाम से स्पष्ट है ये कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा या कोशिकाओं के प्रकारों से बना होगा उसे किस नाम से जाना जाता है बहु example, क्या है इसके दो प्रकार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जंतु कोशिका कोशिका और पादप मल्टी सेलुलर क्या है इसे जाना जाता है किस नाम से ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल या तो सेल से बनेगा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनेगा दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल एंड द एनिमल से आगे हमने देखा एक और बहु के बारे में अब पूछा जाता है कि सर आप बताओ सेल थ्योरी किसने दिया अभी तक हमने क्या पढ़ा सेल के बारे में पढ़ा सेल क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट थी फिर हमने पढ़ा सेल बनती कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे बना अब हम बात करेंगे सेल किसने दिया तो अगली चर्चा जो रहेगी हमारी थ्योरी के बारे में रहेगी आपको भी पता होगा कोशिका सिद्धांत तो कोशिका सिद्धांत दीज आर द दू साइंटिस्ट दैट नेम इज़ द द एंड स्वान द्वारा दिया गया सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है सिंपल से मतलब है कि आपको कभी चोट लगती होगी तो आपने देखा होगा वहां पर रेड रेड कलर की सेल्स रहती हैं कुछ दिनों बाद वो रिकवर होती हैं और चोट अपने आप ठीक होती है दीज ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल रिकवरी सेल रिकवरी के लिए होता है ये तो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से जो बनता है वो पर्टिकुलर सेल्डन ने कहा था और स्वान ने क्या कहा कोशिका सिद्धांत सेल्डन और स्वान्स ने दिया जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है ये सेल्डन और स्वान दोनों ने मिलकर दिया था ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेडअप ऑफ सेल एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ सेल या तो सेल से बनेगा या सेल के उत्पादों से बनेगा ऑल द सेल आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन आपको भी पता है जितनी भी चीजों का निर्माण होता है वो कोशिका विभाजन से होता है जैसे आपका स्किन कहीं से निकल रही है नाखून कट रहे हैं या पर्टिकुलर आपके कहीं चोट लग गई अब जब चोट लगी तो उसकी रिकवरी किस पोर्शन से होती है वो पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवीजन से होता है अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लार्जेस्ट सेल जो होती है ऑस्ट्रिच की होती है स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा की होती है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इन ह्यूमन न्यूरॉन्स होता है स्मॉलेस्ट जो है आरबीसी डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था कॉर्क टिश्यू में लाइव सेल जो है वो किसने किया था ल्यूबेन हॉक ने उनियन में आपको याद रखना है एंटीनोल्यूबेन हॉक नाम था उनका क्या नाम था एंटीनोल्यूबेन हॉक प्लांट्स में किया था अब आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने जो भी चीजें देखी बिल्कुल आपको याद रखनी है कोशिका क्या थी कोशिका सिद्धांत किसने दिया कोशिका कैसे चला और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर चलता है आगे हमने एक कोशिकी देख लिया है बहु कोशिकी देख लिया है अब कोशिका के एक एक प्लांट के बारे में देखेंगे कौन कौन से पार्ट इसपे बनते हैं सबसे पहला जो पर्टिकुलर कोशिका के बहुत सारे पार्ट होते हैं आपको भी पता होगा यदि कभी देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ सेल क्योंकि यूनिसेलुलर तो सबको पता है अभी जो हम पूरी चर्चा करेंगे वो बात करेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में मल्टी या इसे जाना जाता है किस नाम से बहु के नाम से बहुकोशीय आपके जनरली दो प्रकार के आए एक होता है आपको याद रखना है प्लांट सेल के नाम से या इसे जानते हैं पादप कोशिका के प्लांट सेल के बाद जो दूसरा होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे जाना जाता है किस नाम से एनिमल सेल या इसे जानते हैं आप भी याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है जंतु कोशिका तो जनरली जो आपका मल्टी सेलुलर होते हैं वो कितने प्रकार के बने बेटा दो प्रकार के आते हैं एक जो होता है आपका प्लांट सेल और दूसरा कौन सा एनिमल सेल अब इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे बहुत सारे कॉमन पार्ट होते हैं सबसे पहला जो बनेगा बेटा सेल वॉल होगा या इसे जाना जाता है किस नाम से कोशिका भित्त के नाम से आगे आप देख सकते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्त क्या होता है ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट का पर्टिकुलर आउटर प्लांट आउटर पार्ट होता है ह्यूमन का जो आउटर पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है आपको पता रहेगा इसके बारे में हम आगे देखेंगे याद रखिएगा सेल वॉल इज ओनली फाउंडेड ऑन प्लांट किसमें पाया जाता है बेटा केवल पादप कोशिका में और इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बना किसका होता है आपको याद रखना है इट इज अप ऑफ सेलुलोज सेलुलोज का बना होता है और इसमें जीरो परसेंट वाटर होता है सेलुलोज क्या है पॉलीसेकेराइड सरकरा होता है आपको बता रहेगा करता क्या है ये फंक्शन है इसका पर्टिकुलर यह पादप कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है यदि आप डायग्राम बेसिस पे देखा जाए सेल वॉल के बारे में तो यदि सपोज करिए इस स्ट्रक्चर का कुछ है किसी भी स्ट्रक्चर का ये प्लांट में जो आउटर पार्ट होता है उसी का बना होता है और ये बना किसका होता है बेटा आपको याद रखना है सेलुलोज किसका बना होता है बिल्कुल याद रखिएगा सेलुलोज का और करता क्या है ये प्रोटेक्शन करता है आउटर लेयर है तो ये क्या करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किससे जितनी भी जीव बाह होते हैं उन सबसे प्रोटेक्शन का काम करता है सुरक्षा प्रदान करेगा सेल वॉल इट इज फाउंडेड ऑन प्लांट सेल इट इज अ आउटर कवरिंग प्लांट ऑफ सेल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज फाउंडेड इन डेड फॉर्म दैट इज जीरो परसेंट ऑफ द वॉटर एंड यह करता क्या है इट गिव द प्रोडक्शन ऑफ द सेल सेल कोशिकाओं से क्या करेगा आपके जितने भी रहेंगे उनसे सबसे रक्षा का, का काम करेगा या पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान कराएगा यह आपको क्लियर हो गया पूरी चीज अगले कॉन्सेप्ट में हम बढ़ेंगे और अगला है हमारा सेल मेम्ब्रेन इट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट और द बेसिक पार्ट ऑफ द एनिमल सेल सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झील तो याद रखिएगा, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट सेल पादप का दूसरा है लेकिन जंतुओं का पहला पार्ट है बेटा यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया गया काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे हम क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस करेंगे यह फॉस्फोलिपिड से बना होता है कई बार क्वेश्चन पूछेगा यह बना किसका होता है आपको याद रखना है इट इज मेडअप ऑफ द फॉस्फोलिपिड फंक्शन क्या है इसका कार्य कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं पर नियंत्रण रखना होता क्या है जनरली यदि आप देखेंगे हमने डायग्राम एक बनाया था आपके लिए तो इसी वाले पार्ट में यदि पर्टिकुलर आपको दूसरा मेम्ब्रेन मिल रहा है मतलब जो सेकेंड पार्ट ऐसे डॉटेड 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 फॉर्म में चलेगा तो सबसे किसी में भी जाइए जो सबसे बाहर वाला पार्ट था इसे तो हमने किस नाम से जान लिया था सेल वॉल के नाम से लेकिन इसके बाद जो एनिमल में तो शुरुआत ही यहीं से होती है बेटा इसे जाना जाता है किस नाम से सेल मेम्ब्रेन के नाम से इसीलिए कहा गया ये दोनों में पाया जाता है काम क्या है जो अंदर पदार्थ है उसको बाहर नहीं आने देगा जो बाहर पदार्थ है उसको अंदर कभी आप लोग नहाते हैं बात करते हैं तो कभी ऐसा होता है क्या कि जनरली पानी अंदर चला जाए रंध्र की मदद से ऐसा नहीं होता है पसीना जो है उन्हीं रंध्रों की मदद से बाहर आता है र द सिंपल कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन का यह कॉन्सेप्ट आया फिर इसके बाद यह कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है इसका कार्य है कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं पर नियंत्रण रखता है सेल मेम्ब्रेन इट इज फाउंडेड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इट इज मेडअप ऑफ फॉस्फोलिपिड इट रेगुलेट द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल इन टू आउट टू इन मतलब जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा इस प्रकार की पूरी चीजें इसमें क्या होती हैं बनती अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको अभी तक हमने दो पार्ट के बारे में चर्चा कर ली तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस के बारे में केंद्रक अब केंद्रक इज द न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दोनों सेल में होता है यह कोशिका का सबसे बड़ा कई बार क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल कौन सा है कमेंट करके भी आप बता सकते हैं आपके सामने उत्तर है चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करने ते रहना है जिससे आपको क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलती रहे तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग और इसकी खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने किसने किया था रॉबर्ट काउन इस कोशिका का इसे क्या कहा जाता है इसे कोशिका का मैनेजर या ब्रेन के नाम से जानते हैं कई बार पूछा जाता है मैनेजर ऑफ द सेल किसे जाना जाता है आपको ध्यान रखना है इट इज नोन एज द न्यूक्लियस एंड द ब्रेन ऑफ द सेल ये आपको कहीं भी पर्टिकुलर नहीं मिलेगा किसी भी बुक में नहीं है तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है तो ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस को अब ये केंद्रक में जो न्यूक्लियस है दो प्रकार के एलिमेंट हैं फर्स्ट इज द डीएनए एंड सेकंड वन इज द आरएनए एन आपने देखा होगा किसी भी बच्चे की पहचान यदि वो खो जाता है तो उसके माता पिता के डीएनए से होती है वो डीएनए यही है बेटा एन तिवारी वाला केस आपको याद होगा वहां पर जो क्लेमिंग हुई थी वो भी पर्टिकुलर किस डिस्कवरी के कारण डीएनए की वजह से होती है किसी के माता पिता खो जाते हैं और वो क्लेम करेगा यदि कि मैं उसका बच्चा हूं तो उसके लिए किसकी टेस्टिंग होती है बेटा डीएनए की क्योंकि ये सबसे बड़ा भाग है बेटा आपके किसका प्लांट एंड एनिमल सेल का न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट से मैनेजर ऑफ द सेल एंड इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल इंग्लिश में भी देखिए लार्जेस्ट कंपोनेंट हमने पहले ही बता दिया डिस्कवरी किसने की कई बार क्वेश्चन पूछा गया इर हम बाद में हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरा ऑल्सो नोन एज द ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ द सेल एंड इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द टू टू टाइप्स फर्स्ट वन इज द डी एन ए एंड सेकेंड वन नोन एज द आर एन ए अब दोनों के फुल फॉर्म देखेंगे क्या होते हैं कैसे होते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा मतलब क्या है आप भी देखिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना गया और आर एन ए में राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना गया दोनों में कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है पहला फुल फॉर्म बन गया दूसरा डीएनए का मॉडल किसने दिया बेटा वॉटसन एंड क्रिक किसने दिया था वॉटसन एंड क्रिक बिल्कुल याद रखिएगा और आरएनए का मॉडल फेडरिक ने दिया किसने दिया था बेटा बिल्कुल याद रखिएगा फेडरिक फिर यह केंद्र केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए जो होता है न्यूक्लियस एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में एंड द स्ट्रक्चर इज अ डबल हैलेक्स आपको दिख रहा होगा यह स्ट्रक्चर है ये डबल हैलेक्सिक स्ट्रक्चर है और आरएनए जो होता है यह केवल केंद्रक की कोशिका में पाया जाता है और एकल कुंडली के स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके लिए पाया जाता है फुल फॉर्म आपको क्लियर हुआ डीएनए में पर्टिकुलर आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं अनुवांशिक पदार्थ लिए जाते हैं पदार्थों की बात की जाए तो बेसिक इट कंटेन द फोर टाइप्स ऑफ द मटेरियल बेसिकली कितने चार प्रकार के पदार्थ कौन कौन से एडेनिन ए टी एस एच आपको याद रहेगा एडेनिन साइटोशिन थायमिन और ग्वानिन के नाम से जाना जाता है ये सब बेस मटेरियल होते हैं और कैसी स्ट्रक्चर है आपको पता चल गया इस प्रकार का स्ट्रक्चर और इसमें डबल बॉन्ड होता है ए डबल बॉन्ड टी और नीचे होता है सी डबल बॉन्ड ची इस प्रकार के स्ट्रक्चर क्या होंगे इसमें बनते हैं राइबोसोम क्या होता है इट इज अ अडप ऑफ द प्रोटीन और थायमिन की जगह इसमें क्या हो जाता है यूरेसिल बाकी चीजें सेम रहती हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर कितने प्रकार के होते हैं <coughs> आर जनरली बात किया जाए बेटा तो आर के जो प्रकार होते हैं आपको याद रखना है आर के तीन प्रकार होते हैं आर काम क्या करता है प्रोटीन बनाने का काम किया तीन आर होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको ध्यान रखना है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है का मॉडल किसने दिया इसने केंद्रक में पाया गया एकल कुंडलित संरचना हो गई निर्माण किसमें है प्रोटून नहीं इस पर्टिकुलर यहां इसमें पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोटीन होता है याद रखिएगा किसका निर्माण करता है प्रोटीन का इट इज अप ऑफ द प्रोटीन का निर्माण है तो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है यह आप ध्यान रखिएगा यहां पे पर्टिकुलर प्रोटीन रहेगा आपका और आर के तीन प्रकार कौन कौन से हैं एक होता है एम आर 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 और टी आर एन ए ये तीनों तो मैं बता देता हूं पर्टिकुलर तीन प्रकार कौन कौन से हैं एक होता है एम आर एन ए दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर टी आर एन ए टी का मतलब आप समझ गए होंगे ट्रांसफर आर का मतलब पर्टिकुलर आपके लिए क्या करेगा सॉरी एम का मतलब मैसेंजर जहां प्रोटीन की जरूरत होगी जिम वाले जो होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर यही मैसेज का काम करता है जब वो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो ये मैसेज देगा कि हाँ यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत है फिर ट्रांसफर वाला क्या करेगा ये प्रोटीन बना के यहाँ रखेगा अब यहाँ से ले जाने का काम किसका है ट्रांसफर वाले का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है आर आर एन ए ये क्या करता है प्रोटीन बनाने का काम करता है आर आर एन ए अगर कोई खूब खा रहा है और दुबला पतला है और उसकी बॉडी मोटी नहीं हो पा रही तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसमें आर आर एन ए बनी नहीं रहा जनरली आपने देखा होगा कई सारे माता पिता होते हैं जो बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाते रहते हैं लेकिन पूरी कंपनी का आप कॉम्प्लेन पिला दीजिए तब भी बच्चा उनका मोटा नहीं होता क्योंकि उनके बॉडी में राइबोसोम निर्माण ही नहीं कर पाता अब जब राइबोसोम बनाएगा ही नहीं तो मैसेज देने वाला यदि लगातार मैसेज भी देता रहेगा संदेश वाहक होता है ये यदि ये लगातार संदेश देगा जब आपके पास चीजें है नहीं तो संदेश क्या दोगे तो फिर एक्सेस लिया जाता है ये पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर लोग लेते हैं और फिर उसके बाद वो ले जाके जैसे आपको मसल्स बनानी है तो ले जाके आपके आर्म्स में स्टोर कर दिया जाता है तो ये ट्रांसफर दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आरएनए आपने ये वाला पार्ट देख लिया डीएनए वाला ये आपके क्या करेगा पूरी की पूरी जनरेशन की याद में रखता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यही है कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं सर हम थोड़ा काम कर रहे हैं और थक जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो थोड़ा सा काम करके थकता था मतलब ये पूरी की पूरी जेनेटिक मटेरियल को लेकर चलता है आपके बाल गायब हो रहे हैं तो आपके दादा किसी किसी ना किसी के बाल गए होंगे वो भी रीजन इसी का है। चार प्रकार के बेस मटेरियल क्या होते हैं इसमें आते हैं बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं डीएनए और आरएनए में इंग्लिश में है आपके पास जिसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो जाना जाता है डीआक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना गया काफी इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा गया रेलवे ने तो डायरेक्ट पूछा है एनए एन ए का मतलब पता होता है बोलता है डी का मतलब क्या है तो डी ऑक्सी राइबोस और इसका केवल राइबोस है कहां से बना वो आपके स्ट्रक्चर से बना बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे आपको डीएनए के बारे में पता होगा इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें चलता रहता है तो वहीं से वो शब्द क्या हुआ है बना है इट इज फाउंडेड इन न्यूक्लियस एंड द माइक्रोकॉन्डिया एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक दूसरा नाम भी है यहां पे ध्यान रखिएगा हिंदी में हमने दिया आर एन ए मॉडल वॉज गिवन बाई फ्रेडरक एंड मिजर इट इज डबल हैलिस स्ट्रक्चर दुई कुंडलित संरचना और इसमें सिंगल बन गया बेटा डीएनए को क्या कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल मतलब गुण जितने भी आपके अनुवांशिक पदार्थ हैं उनको लेकर चलेगा और ये जो होता है पर्टिकुलर ये क्या करता है यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है तीन प्रकार के आर डिस्कस किए तो अभी हमने बेसिकली सेल पढ़ा और सेल के तीन टॉपिक हमने पर्टिकुलर तीन पार डिस्कस किए। पहला हमने देखा सेल वॉल के बारे में, दूसरा हमने देखा किसके बारे में सेल के बारे में जो केवल किसमें पाई जाती है आप कमेंट करके बताएंगे कि सेल किस में पाई जाती है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा पर्टिकुलर इसमें बात रहेगी ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल किसे कहा जाता है यह भी आपको क्या करना है कमेंट करना है जिसकी पहली कमेंट रहेगी उसके लिए अगली क्लास में मैं नाम अनाउंस करूंगा क्या कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अगर कोई भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है इसके आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू रहेंगी सेल वाले टॉपिक में अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है थैंक यू चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा